गर्व से उन्होंने कृष्ण के रूप में प्रकट हुए कृष्ण के रूप में अवतार लिया। एक्चुअली श्री कृष्ण का ओरिजिनल रूप है, इसलिए अवतार भी नहीं बोल सकते, कृष्ण ओरिजिनल उसमें श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। तो देवकी और वसुदेव कौन थे? देवकी और वसुदेव ने मिलके हजारों साल तपस्या की थी और उस तपस्या में ये मांगा था कि भगवान के दर्शन हुए। जब भगवान के चतुर्व्यूह रूप में विष्णु रूप में दर्शन हुए चार भुजा के रूप में, तो उन्होंने भगवान ने पूछा कि आपको क्या वरदान चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हम आपको अपने पुत्र के रूप में मांगते। तो देवकी और वसुदेव ने उनका ओरिजिनल नाम जब तपस्या कर रहे थे तो कुछ और था, लेकिन तो भगवान ने बोला ठीक है। तो भगवान तीन बार उनके यहाँ जन्म लिए, तीन अलग अलग टाइम पे उनके तीन अलग अलग जन्मों में भगवान ने अवतार लिया। तो पहला जो सतयुग में भगवान ने उनके यहाँ अवतार लिया था, उनका नाम था जो देवकी वसुदेव थे उनका नाम उस टाइम क्या था? सुतपा और प्रश्न। ये पहला उनका जन्म हुआ। उनके यहाँ भगवान का अवतार हुआ प्रश्नी गर्भ। उस टाइम भगवान का नाम क्या था? प्रश्नी गर्भ, क्योंकि प्रश्नी के गर्भ से उत्पन्न हुए इसलिए उनका नाम हुआ प्रश्नी गर्भ। तो नाम क्या था देवकी वसुदेव का उस जन्म में सतयुग में जब हुए? सुतपा और प्रश्नी। ये सब भागवत में लिखा है, भागवत के 10वें स्कंद के 3रे अध्याय में सारा है। उसके बाद उनको फिर दूसरी बार भगवान उनके पुत्र के रूप में आए। उस टाइम उनका नाम था कश्यप और अदिति। क्या नाम था? अदिति। और पुत्र का नाम क्या हुआ भगवान किस रूप में आए? किस रूप में? वामन रूप में। कश्यप और अदिति का पुत्र था वामन। ये वामन जी वही है जिन्होंने बलि महाराज को कंगाल कर दिया था। वामन अवतार अदिति और कश्यप में आए। ये कब आए? ये त्रेता युग में। वही भगवान तीसरी बार देवकी और वसुदेव में के यहाँ भगवान श्री कृष्ण के रूप में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के रूप में। तो इस तरीके से ये उनके तीन जो है तीन बार तीन अवतारों के रूप में। अब उन्होंने भगवान से ये मांगा था कि हमको भगवान पुत्र रूप में दे, लेकिन भगवान से ये मांगना भूल गए कि पुत्र का लालन पालन भी हम कर सके। तो क्या हुआ भगवान जब जन्म हो जब अपीयर हुए प्रकट हुआ कंस की जेल में, तो कंस वाला स्टोरी तो आपको पता है क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट में कवर कर देंगे कि कंस क्या जब 8वें पुत्र के रूप में कंस की जेल में वसुदेव और देवकी से जब 8वें पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए तो उनको इमीडिएटली कहाँ भेजा गया? वसुदेव देवकी ने कंस के भय से बचाने के लिए कहाँ भेजा गया? गोकुल में भेजा गया। गोकुल में उसी टाइम पे नंद और यशोदा के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ था। उसी टाइम पे सेम टाइम पे हुआ था। तो जब वसुदेव और देवकी उनको वहां पे ले गए तो उनको उस टाइम पे जो माता यशोदा थी क्योंकि उनको भी बच्चा पैदा हुआ था, तो भी बच्चा पैदा होने के बाद नॉर्मली उनको होश नहीं रहता, ये करता है उनकी कंडीशन ऐसी रहती है। तो उनको उन्होंने जाके इनको चेंज किया और उसके बदले में उस कन्या को लेके आए। और कन्या और कोई नहीं थी, वो भगवान की बहन थी योग माया, भगवान की शक्ति थी योग माया। तो भगवान और भगवान की शक्ति जो है यहाँ पे साथ साथ में आते हैं। तो भगवान की शक्ति योग माया थी, योग माया उस टाइम पे उनके साथ में, तो इंटरचेंज हुआ। क्या हुआ? योग माया को यहाँ पे लाया गया। कहाँ पे लाया गया? ध्यान से सुन रहे हैं, सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मथुरा में लाया गया, कंस की जेल में लाया गया और वहां पे उनके बिस्तर पे सुला दिया गया। और जो भगवान कृष्ण थे उनको कहाँ सुला दिया गया? यशोदा मैया के पास में।
तो जब बाद में सब उठे तो देखा कि यशोदा मैया के पुत्र हुआ है और देवकी के कन्या पुत्री उत्पन्न हुई। तो जैसे उसके रोने की आवाज आई तो कंस के सारे जो गार्ड थे, वॉचमैन थे, वो वॉचमैन जागे, क्योंकि उनको कंस ने बोल रखा था कि जैसे ही इनका कोई जन्म हो इनके यहाँ पे मेरे को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना। उसी टाइम पे कंस के पास पहुंच गए, कंस आया, सब अपने साथ में पूरा आया, फटाफट आया, क्योंकि उसको क्या भय था कि जो आठवां संतान है वो मेरा शत्रु और मेरा काल बनेगा, मेरे को मारेगा। तो जब उसने आया तो देखा कि कन्या का जन्म हुआ, जबकि उसको उस टाइम पे क्या बोला था नारद मुनि ने और आकाशवाणी क्या हुई थी, पुत्र। उसको सरप्राइज हुआ, उसने सोचा कि देवता लोग भी क्या है, सब झूठ वूठ बोल देते हैं, ये तो सामने कन्या का जन्म हुआ, ये देवता लोग कभी भी गलत भविष्यवाणी कर देते। तो उसने सोचा कन्या का है, फिर भी उसने सोचा कि कन्या है, कहीं इस रूप में भी भय, तो उसने भी कन्या को उसी तरीके से मारने की कोशिश की जिस तरीके से उसने उसके